CPL मैच नंबर 25 जो कि अभी सुबह 4:30 बजे ही खेला जाएगा मेरे भाई, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। TKR करेंटली 4th पोजीशन पे है और क्वालिफाइड लिख दिया है। टॉप 4 टीम हमें मिल चुकी है जो 4 आगे क्वालिफाई करके जाएगी। 2 एलिमिनेट हुई है टीम जिसमें से ये है और एट द बॉटम है। सबसे अगर बात किया जाए घटिया परफॉर्मेंस तो इन्हीं का रहा है। 6 पोजीशन पे है करेंटली, 9 मैच खेली है, सिर्फ 1 जीती है और 8 मैच हारी है। और ये पहला मैच जीतने के बाद लगातार कोई टीम हार सकती है 8 मैच, तो वो ये है। सोचिए इनके पास बहुत कुछ है अभी पाने के लिए। 6 मैच ही खेली है, 4 जीती है, 2 हारी है। और करेंटली अगर बात किया जाए तो 4th पोजीशन पे 4 मैच इनका बचा हुआ है और ये सीधे शूट अप कर सकते हैं 1st पोजीशन पे अगर मैच से सारे जीतते हैं तो। और इनके पास अच्छा चांस है। 2 एलिमिनेटेड टीम है, एक सेंट किट्स और एंटीगुआ, बाकी 4 टीम जो बची वो क्वालिफाई कर चुकी है। तो इस मैच को कौन जीतेगा मेरे भाई? बहुत तगड़ा मैच होगा नो डाउट। इनके पास कुछ खोने के लिए है ही नहीं। अब जिसके पास खोने के लिए है ही नहीं उसको डर किस बात का? वो और एकदम अगर बात किया जाए तो फ्री खेलेगा और मैच भी अब चेंज हो रहा है। स्लो सरफेस देख देख के आदमी पक गया गयाना का। चलिए एक अच्छी बात है कि आज का जो मैच था सेंट लूसिया वाला, एक बढ़िया 160 प्लस का टारगेट सेंट लूसिया अचीव कर पाई कम से कम, नहीं तो 137 135 भी वहाँ पे एक तरह से डिफेंडिंग टारगेट हो रहा था। और इसके बाद पब्लिक को कैसे लगने लगा कि ये टारगेट बारबाडोस अगर मार भी दी इतना तेज स्टार्ट कर दी फर्स्ट 6 ओवर में तो वो जीत जाएगी? नहीं होता ऐसा। वो आपको अपॉर्चुनिटी रहता है एज अ पंटर, आपको ग्रैब करना है कि स्लो सरफेस पे वो जानबूझ के नया बॉल रहता है तो बॉल उतना ग्रिप नहीं करता, बैट पे अच्छे से आता है जब तक हार्डनेस रहती है बॉल, ये आप दिमाग में बैठा लीजिए। और उसकी वजह से क्या होता है कि तेज स्टार्ट मिलता है। तो 35 पैसा लग गई वहाँ पे बारबाडोस। हमने आज 3/3 एंट्री पास करवाए मेरे भाई, एक मैच में 3 लिमिट मिनिमम, मतलब 3 मैच का रिकवरी एक मैच में। और जब 35 पैसा बारबाडोस लगा तो यहाँ पे अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाते बोला यहाँ से सेंट लूसिया सीधा विन करो आंख बंद करके, कोई डाउट नहीं रखना, सेंट लूसिया जीतेगी तो जीतेगी। जीती मेरे भाई, जीतना ही था, इतना ज़्यादा टारगेट था, कितना बड़ा स्टार्ट हो जाए क्यों ना, आराम से टारगेट डिफेंड होना था। बॉल जैसे स्लो होता, जैसे पुराना होता, बॉल ग्रिप करता, स्पिन होता, हुआ, इसलिए स्पिनर्स आए फिर काम में। तो ये समझना पड़ेगा एज अ पंडर, ये थोड़ा सा क्रिकेटिंग नॉलेज, इतना साल से अगर खेल रहे हैं और इतना भी नॉलेज नहीं है तो बेकार ही खेलना हो आपका। 40% देखिए मार्केट TKR को फेवरेट मान रही है और 60% यहाँ पे SKNP, यानी विन प्रोबेबिलिटी के हिसाब से सेंट किट्स इस मैच को जीतने के लिए फेवरेट है बाय द बुकी मार्केट, तो आपके सोच से विपरीत है। पंटर यहाँ पे प्लस होगा, पंटर प्लस होगा जब TKR जीतेगी। TKR पंटर का फेवरेट टीम है, बहुत पैसा देके जाता है हमेशा, ये CSK है और मुंबई वो बोल सकते हैं IPL का। लेकिन मार्केट और बुकी प्लस होगा जब SKNP जीतेगी, चाहे कितना भी रेट इधर उधर हो जाए, पंटर एट द इन क्या चुतियापा कर देता है प्रॉफिट बनाने के बाद भी, हमेशा TKR को पकड़ लेता है। प्रॉफिट बन गया तो ये नहीं है कि TKR से प्रॉफिट, अगर TKR हार भी गया तो प्रॉफिट निकालिए ना, TKR को पकड़ के चलना है जिसकी वजह से लॉस होता है। तो कौन सी टीम जीतेगी मेरे भाई, सेशंस कैसे घटेंगे, A to Z बात करेंगे, सरफेस नया है कैसा बिहेव करेगा, होम एडवांटेज देके जाएगा TKR को कि नहीं देके जाएगा, कि एट द लास्ट एक मैच जीत के ख़त्म करेगा अपना लीग का SKNP यानी सेंट किट्स, देखने को बनेगा। 7428525761 मैच असोसिएशन क्लिप पे कॉन्टैक्ट करिए, स्कैन करके ज्वाइन हो जाइए सबसे पहले, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ हर वीडियो के नीचे मिल जाएगा, जाइए ज्वाइन करिए टेलीग्राम चैनल को, नेक्स्ट लेवल काम फ्री में आ रहा है मेरे भाई। स्कैनर है, स्कैन करके ज्वाइन हो सकते हैं, फायदा उठाइए मैच असोसिएशन का। लगातार में CPL में बात किया जाए तो 20 मैच लगातार में पास करवा के दिया है। CPL क्या भाई, आप उत्तराखंड में तो कम मैचेस थे ना, एक भी मैच उत्तराखंड वाली लीग में फेल नहीं रहा अपना, इतना तगड़ा काम रहा है मेरे भाई। तो फायदा उठाना है, ज्वाइन करना है टेलीग्राम को, जो बोलेंगे जैसे बोलेंगे फॉलो करिए, मोटा प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द डे आपके पॉकेट में रहेगा ही रहेगा। 26 डिग्री टेम्परेचर, चांस ऑफ रेन, नेगेटिव ह्यूमिडिटी है और डी फैक्टर अगेन यहाँ पे प्रिवेल कर सकता है, सेकंड बैट को काइंड ऑफ एडवांटेज रहेगा। ओवरऑल नया सरफेस है तो देखने को बनेगा कैसा सरफेस है। लास्ट 3 मैच देखते हैं क्या एवरेज टोटल रहा है, देखिए 36 मैच अभी तक हुआ है, 16 और फर्स्ट बैट, 20 बार सेकंड बैट, ऑन एन एवरेज ये भी स्लो सरफेस ही दिख रहा है। 36 मैच में 142 और एवरेज स्कोर है तो हाई स्कोरिंग या फिर अच्छा बैटिंग सरफेस तो नहीं बोल सकते, 189 ही हाईएस्ट है। 36 मैच में 190 के करीब एक बार ही लगा है यहाँ तक पहुँची है टीम, 55 पे ऑल आउट भी हुई भी है गायना, 150 से नीचे 20 बार, देखिए 36 मैच में से 20 बार अगर बोला जाए तो 50% यानी 60% के करीब करीब यहाँ मैचेस हुए हैं जो कि अंडर पार टोटल लगा है, 152-160 या 9, 172-187 और 190 टच भी नहीं किया। लास्ट 3 मैच देखिए 154 जमाई का तलवाज मारी, TKR उसको चेज कर गई, ठीक है TKR नेक्स्ट लेवल की फॉर्म में थी, लास्ट ईयर फाइनल खेली अगेन इसलिए यहाँ पे चेंज हो गया। 8 में से 5 विकेट पेसर, 3 विकेट स्पिनर्स, 3 में से 1 विकेट पेसर, 2 विकेट स्पिनर्स, फिर 149 का सेंट लूसिया के खिलाफ यहाँ पे सेंट किट्स ने चेज किया था,
सात में से तीन विकेट पे से चार विकेट स्पिनर्स, छः में से चार विकेट पे से दो विकेट स्पिनर्स। फिर 147 का टारगेट देखिए डिफेंड भी हुआ, सेंट लुसिया ने डिफेंड किया अगेंस्ट टीकेआर, इतनी मजबूत टीम के विरुद्ध छः में से चार विकेट पे से दो विकेट स्पिनर्स, तीन विकेट पे से तीन विकेट स्पिनर्स। मतलब इन शॉर्ट लास्ट ईयर के जो मैचेस यहाँ पे वो तो एकदम स्लो सरफेस 150 जैसे तैसे टच किया है। तीन मैच देखा आपने, एक मैच दो मैच 150 प्लस टचिंग 150 प्लस जस्ट 155 के करीब करीब, दूसरा मैच 146-47 यहाँ डिफेंड। तो सरफेस स्लो है, बॉलर्स को मदद है, अगेन स्पिनर्स आएगा और स्लो सरफेस का मैंने बताया कि कैसे खेलना है आपको। 20 विकेट पे सर 16 विकेट स्पिनर्स, स्पिनर्स प्ले में आने वाले हैं। हेड टू हेड देखिए 22 मैच हुआ है, 14 टीकेआर जीती है एसकेएनपी, 6 और 2 नो रिजल्ट्स रहा है। लास्ट 5 में देखिए तो यहाँ पे 2 टीकेआर, 1 एसकेएनपी और 2 नो रिजल्ट्स रहा है। तो और ये अपने होम ग्राउंड पे 5 मैच खेली है, 4 जीती है टीकेआर, 1 जीती है सैंड किट्स। तो टीकेआर अपने बहुत डोमिनेट करती है। लास्ट मैच इनका लॉस है, उससे पहले लगातार 3 जीती फील्ड लॉस है और ये तो लगातार 8 मैच से हार के आ रहे हैं। तो कंपेरिजन तो है नहीं स्टैट्स वाइज, एक टीम एकदम मोरल डाउन है, एक टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है। लास्ट 10-10 मैच देखिए तो 1 मैच जीती है और ये 6 मैच जीती है लास्ट 10। 165 ऑन एन एवरेज, 250 हाई एस्ट, 94 लोएस्ट है इनका देखिए। 161 ऑन एन एवरेज, 226 हाई एस्ट, 107 लोएस्ट है। इस वेन्यू पर बात करें तो कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं, लास्ट 10 में से 2 मैच जीते हैं। 134 ऑन एन एवरेज, 162 हाई एस्ट, 77 लोएस्ट है। ये अपने होम ग्राउंड पर नेक्स्ट लेवल परफॉर्मेंस है, लास्ट 10 मैच में से 9 मैच जीती है। 146 ऑन एन एवरेज, 184 हाईएस्ट और 78 लोएस्ट है। सेशन टिप्स का बात है, 25-51-80-135 देखिए ऑन एन एवरेज लास्ट 10 मैच का ये सेशन दिख रहा है, कितना कम रन लगता है, 25-30 रन यहाँ पे लगना मुश्किल हो जा रहा है। ये लास्ट 10 मैच का है, फिर 51-80-135 ये भी वही गायना वाला सरफेस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। मतलब पंटर के लिए जन्नत है, स्लो सरफेस है तो जितना ऊपर जाए 160-170-180 नॉट मारते चलिए एडवांस लंबी और बैक टू बैक छक्का चौका पे फिर आप नॉट मार सकते हैं। बॉल पुराना होगा फिर स्पिनर्स प्ले में आएंगे, रन नहीं लगेगा, विकेट जाएगा। टीम डेविड, सुनील राणा, निकोलस पुरन, केसी काटे, शकीर पेरिस, क्रिस जॉर्डन, कारन कोलर, अंद्रे रसल, अकील हुसैन, वकार सलाम, खेल और जसुआ लिटिल इधर प्लेइंग 11 है। एमएल लुइस, आंद्रे फ्लेचर, काइल मेयर्स, रैन जॉन, डोमिनिक ड्रेक्स, राइली डूसो, जसुआ डा सिल्वा, एस्मेट नेट, मिकाएल लुइस, हेनरिक नोके और तबडे समसी, ये दोनों का प्लेइंग 11 हो सकता है। ये चेंजेस कर सकती है, दो चार सबको अब चांस दे देगा, लास्ट मैच है तो क्या करेगा। 25-31-25-14-19-35-17-0 एक्सपेक्ट नहीं करिए कि बैट्समैन ज्यादा परफॉर्म करेगा। बॉलिंग ऑलराउंडर खासकर स्पिनर ऑलराउंडर ज्यादा बेटर ऑप्शन है ड्रीम इलेवन पॉइंट ऑफ व्यू से कैप्टन वाइस कैप्टन के लिए। शकीर पेरिस 9-29-35-57-31, सुनील राणा 4-11-0-14-0 देखिए हर मैच में 2-2 विकेट, लास्ट मैच में खाली 1 विकेट और ये फिर प्ले में आ सकते हैं। केसी काटी 8-10-32-15-34, क्रिस जॉर्डन भी खेला है लास्ट 3 मैच में 0-0, उससे पहले 1-1 है। और कारण पड़ा 47-83-52-30-1-0-0-11-0 फिर आंद्रे से 0-36-8-35-10-1-0-0-1-1 ठीक है। अब इधर देखते हैं, अकील हुसैन 11-1-2-0, वकार सलाम खेल 0-2-3-2-2, वकार सलाम खेल और सुनील नारायण दोनों प्ले में आएंगे। बढ़िया बॉलर है, लास्ट मैच में थोड़ा हो जाता है, हर मैच में थोड़ी परफॉर्म करेगा लेकिन हाँ इस मैच में अगेन ये परफॉर्म करके देगा। जसुआ लिटिल 00-2-1-1 ठीक है। एविन लुइस का बात किया जाए तो 49-6-15-5-0 लोन वॉरियर थे लास्ट मैच में, लग रहा था मैच निकालेंगे, इनके आउट होते पूरी टीम धा गई। तो यही है काइल मेयर 3-1-17-22-0-1-0-0-2 अब लास्ट मैच ये चला है तो इसको आप यहाँ परफॉर्म कर सकते हैं, ये वाइस कैप्टन ग्रैंड लीग में बना सकते हैं क्योंकि यही दोनों मोस्ट ऑफ द जो स्टार्टिंग में रन मारा है तो यही दोनों मारा है और विकेट भी लिया है, विकेट तो इसको मिल भी जा रहा है, रन अगर दे देता है तो थोड़ा अच्छा ऑप्शन हो जाएगा और आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग है ये ठीक है। डोमिनिक ड्रेक्स का 3-2-12-17-8-0-0-1-0 एकदम इस साल फॉर्म में नहीं रहा। आंद्रे फ्लेचर 15-32-62-9-0 रेअंजन 5-1-29-2-25-1-0-1-0-0 रैली रूसो 11-9-50-20-0 ये सब फ्लैट डेक का प्लेयर है, स्लो सरफेस पे ऐसे भी नहीं चलता है। जोसुआ डी सिल्वा 9-25-18-5-10 मिकाएल लुइस 4-0-7-63-30 नोके 00-1-3-1 एस्मेंडेड 4-0-0-1-1 ये स्पिन डिपार्टमेंट में एस्मेंडेड ठीक ऑप्शन है, इनके पास कुछ खास ऑप्शन भी नहीं है। सबरे समझे 2-0-0-1 इनका तो वाइड फेंकना एकदम लाजमी ही रहता है, लेग स्टिक आज तक बॉलिंग नहीं सीख पाए। आंद्रे रसल, निकोलस पुरन, कैरन फुलर्ड, एविन लुइस, सुनील नारायण, आंद्रे फ्लेचर रसल, काइल मियर्स, अकील हुसैन, एंड्रिक नोके, एस्मेंडेड और वकार सलाम खेल, कैप्टन यहाँ पे नारायण, वाइस कैप्टन यहाँ पे ये मैं बोल रहा हूँ, एक बार रिक्स ले सकते हैं। बाकी ड्रीम इलेवन के रेटेड टीम के लिए नीचे टेलीग्राम चैनल के लिंक है, जाकर ज्वाइन करिए, नेक्स्ट लेवल टीम फ्री में आ रहा है और 742-5-2-5-6 मैच असिस्टेंट के लिए इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और मैच असिस्टेंट के टेलीग्राम चैनल के लिंक नीचे जाकर ज्वाइन करिए, डेमो के लिए चलिए, अवेलेबल, टेक अ गुड नाइट।